और हो गाइस, शबल फ्रॉम टेक केयर हो गाइस। ये जो नोकिया डे सेल आया हुआ है स्पेशल नोकिया के लिए ऑन फ्लिपकार्ट, मतलब कि जैसे कि मल्टीपल ब्रांड्स के लिए अभी तक के सेल चल रहे थे, तो उस पर क्या होता था कि हर चीज़ ब्रांड में आपको डिस्काउंट मिलता था, लेकिन यहाँ पे नोकिया फ़ोन अगर आपके मन में है विचार लेने का, तो यहाँ पर डिस्काउंट आपको भारी डिस्काउंट आपको दे सकता है फ्लिपकार्ट, दे नहीं सकता उसमें डिस्काउंट आपको 17,501 रुपये तक का डिस्काउंट यहाँ पर उन्होंने वादा किया है। तो डिटेल में इसको जानते हैं क्या है, कौन कौन से सीरीज़ हैं जो आपको फ्लिपकार्ट दे रहा है डिस्काउंट के साथ नोकिया फोन। तो बात करेंगे हम, अगर हम यहां पे, तो जो हुआई का फोन आपको पिछली लास्ट बार में बंद हुआ है, और मतलब उसकी सेल होते हुए थे बची कि आप फिर भी उसका सेल शुरू कर दिया है, लेकिन किसकी, नोकिया की ई कॉमर्स वेबसाइट पर ही फ्लिपकार्ट पे नोकिया डे सेल का एक अच्छे तरीके से उनका नाम देके आयोजन शुरू कर दिया है। नोकिया की ब्रांड स्मार्टफोन कम कीमत में ख़रीदा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नोकिया डे सेल मतलब 13 जनवरी तक रहेगी, मतलब कि आपको 2-3 दिन का समय है। और भी यहाँ पर जो नोकिया की अगर हम बात करें 5.1 प्लस की, तो नोकिया और 6.1 प्लस की, इन दोनों का फ़ोन आपको 3200 रुपये, मतलब 3200 रुपये तक का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ़र की सेल भी ऑफर्स में इसका अवेलेबिलिटी है, आप जाके स्मार्टफोन को ईएमआई में तक भी ख़रीदा जा सकता है। इस स्मार्टफोन में 17,501 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम नोकिया 5.1 प्लस की, इसके बारे में 3GB रैम है इसको 32GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ 13,999 रुपये में बजाय 9,999 रुपये दिया जा सकता है। और यहाँ पर आप 3,200 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट के साथ आपको दिया जा रहा है, साथ ही में आपको नो कास्ट EMI पर भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ में हम अगर हम देखेंगे तो नो कॉस्ट EMI जो है इसमें एक्सचेंज पर भी इसका फ़ोन को ख़रीदा जा सकता है 9,450 रुपये में, अगर आप एक्सचेंज करते हो तो आपको इसका डिस्काउंट मिल जाएगा, और उस पर भी आपको जो एक्सिस बैंक है उसे 5% डिस्काउंट देगा, फिर भी आपका और भी कम हो सकता है 500, तो और ऑब्वियसली कम हो जाएगा 5% डिस्काउंट के साथ। इसमें भी अगर इस मतलब यूजर्स को 5% का दिया ही जा सकता है। फिर हम बात करें अगर एयरटेल को, तो इसके लिए कि साथ ही में एयरटेल यूजर्स को भी 1,500 रुपये का कैशबैक और सेल और 240 GB का इसमें तक का डाटा आपको दिया जा रहा है कैशबैक, मतलब बायबैक में विकल्प भी वहाँ पे ऑप्शन है। फिर हम बात करें फीचर्स जो मतलब नोकिया 5.1 की प्लस की एक्सेप्ट रेशियो की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको 19:9 का इसमें 5.8 इंच की HD डिस्प्ले स्क्रीन दी जा सकती है, जिसकी पिक्सल रेशियो का 1570x720 है। और फिर अगर हम बात करें किसी यूजर्स की जो गेमिंग मोड है एक्सक्लूसिव मिलेगा इसका सेल्स और भी एरिया 90% तक का, आपको इसको चार छोटे में कर सकते हो। फिर यहाँ का एक्सेप्ट रेशियो क्या, मेमोटेक के होलियो के फी 16 प्रोसेस दिया गया है। ये फ़ोन आपको एंड्रॉयड 1 पर मतलब डिपेंड है, और इस फ़ोन के भी 3GB और 4GB रैम वेरिएंट के साथ आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा भी 32GB और 64GB तक का इंटरनल स्टोरेज है आपको इस सेल में। एंड्रॉयड 8.1 ओरियो काम करता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर नोकिया 6.1 प्लस की, इसके यूजर्स को भी 4GB रैम और 64GB तक में आपको मिल सकता है, 64GB मतलब जो 64GB 17,600 रुपये में, इसके बजाय आपको 14,999 रुपये में ख़रीदा जा सकता है, और 2,600 रुपये का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया है। इसमें भी नो कॉस्ट EMI पर भी आप खरीद सकते हैं, और भी इसमें 14,999 रुपये में तक का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है फ्लिपकार्ट पे 99 रुपये, 7,500 रुपये तक का आपका बायबैक विकल्प भी है। और यहाँ पर भी अगर आप अनुमान लगाएंगे तो इसका सब मिला के कि नोकिया की सेल और धमाल बहुत तरीके अच्छे से चल रही है, आप वहाँ पे जाके उसको परचेस कर सकते हो अगर कोई भी प्लान है। तो ये थी सारी डिटेल्स जो भी मैं आपको बता चुका हूँ इस छोटी सी वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इस वीडियोस को पसंद किया, अगर आपको और भी प्लान है तो आप जाके परचेस कर सकते हो और भी डिस्काउंट के साथ। बता रहा हूँ जैसे कि आपके पास अगर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो वहाँ 5% का डिस्काउंट आप ले सकते हो ऑन द स्पॉट, मतलब सारा ऑफर लगने के बाद आपका वहाँ पे 5% तक लेस हो सकता है। तो अभी के लिए वीडियो इतने थी, अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।